मैं तो आज स्टेशन से होटल तक पहुंच रहा था, जो सज्जन लेने गए उनको यूं ही पूछ लिया मैंने, कहा होटल के रास्ते में कोई बैंक तो नहीं पड़ेगा, इतना पूछना था कि मेरे खाते से 5 रुपए कटने का SMS आ गया। वो भी चोट खाए हुए थे, बोले सर जी पता तो है लेकिन बताऊंगा नहीं, सुबह से 4 लोगों को बता करके 20 रुपए कटवा चुका। लोग सो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं नींद में सपना आ जाए, सपने में बैंक दिख जाए तो 10-20 रुपए ड्रीम चार्ज कट जाए। ये जो बुनियादी मुद्दे हैं इनकी तरफ ध्यान जाना जरूरी है। लोग कहते हैं कि अक्सर मुझसे कि साहब ये बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान, कभी किसी एयरपोर्ट पर नहीं देखा। मैंने कहा भैया एयरलाइन कंपनियां ये काम टिकट में कर लेती हैं, इससे ज्यादा आर्थिक तरक्की क्या होगी कि एक सज्जन की 50,000 रुपए की कंपनी 16,000 गुना बढ़ गई। और व्यंग पर आपकी अब दाद उठे, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को कौन आउट करे जिसके पिताजी एम्पायर हो। यही मेरे व्यंग्यों के विषय हैं। कोई भी कवि, शायर, कलाकार, पत्रकार हर सरकार का स्थायी विपक्ष होता है, इसलिए ये नहीं देखना कि हम इस सिस्टम पर बोल रहे हैं, कल वो थे तो उन पर बोले, आज इनसे सवाल कर रहे हैं, कल दूसरे आएंगे तो उनसे पूछेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। मैं शरद जी की तरह गद्य पढ़ता हूं, हाँ देख के पढ़ता। जिस दौर में हम जी रहे हैं वो सोशल मीडिया, टेलीविजन, इन तमाम, मैं तो इनको व्यवधान मानता हूं, ये मदद कम कर रहे हैं, भ्रमित ज्यादा कर रहे हैं। वो टीवी देखो जो प्राइम टाइम पर बहस आती है, पत्रकार बंधु यहां बैठे हो माफी चाहता हूं, उनकी गलती नहीं है, उनके पीछे जो लोग हैं मीडिया हाउस चलाने वाले जिन्हें राज्यसभा की मेंबरी चाहिए, अमूमन 4 जन बहसी आते हैं टीवी पे, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला, बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। आजाद भारत में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है या समझदार होने के बाद जो देखा है, ये पहला मौका है जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से कर रहा है। कुछ एक मीडिया के एक भाग को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो हालत यह है कि प्रधानमंत्री कदम ताल करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट लिखता है। ये मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। मैं सच बताऊं, सच बोलने के दबाव भी बहुत होते हैं। मैंने सोशल मीडिया पूरी तरह बंद कर दिया 1.5-2 साल काम में लेकर के, हालांकि बंद करने के 1-2 दिन तक तो मुझे यूं लगा जैसे नई नई नौकरी छूट गई हो। बड़े गाली गलौज, अशिष्ट और इस तरह का मुका क्यों जवाब दें इनको, समय अपने आप सब सिखा देगा। जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, आज उनको अकल आ गई ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते हैं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपशब्द, अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको जवाब मत दो, वो आपको होमवर्क देने के लिए छोड़े गए हैं, उनके झांसे में मत फंसो। एक दिन उनको भी जल्दी अक्कल आ जाएगी, उन नौजवानों को, क्योंकि इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। उनके कुतर्कों में झांसे में मत उलझो कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने लील लिए, 2 इंटरनेट। यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं इसको सोशल मीडिया क्यों कहते हैं,
हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। एक आ गई है सेल्फी, ये आत्ममुग्धता का दौर है। मैं देखता हूं कई महिलाएं अपनी सेल्फी ले लेकर के हर 10-15-20 मिनट में सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वो ही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आया होंगे। और व्यंग पर आपकी दाद मिले जहां मेरी दृष्टि गई बड़े धोखा हुआ, वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई, जिनको पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। और कुछ नहीं करना, आपको एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी तीन जरूरी चीजें हैं, एक अधिक स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, एक तो आदमी घर बैठे आवारागर्दी कर सकता है, और आज की रात अगर मैंने कोई अच्छी बात कह दी हो आपको सोचने पर विवश कर दे तो आपकी दाद चाहूंगा। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। ऐसे दौर में आप कवियों को शायरों को बुलाते हो, इतनी बड़ी महफिल जुटाते हो, ये बधाई का काम है, क्योंकि तमाम जो मीडिया सोशल मीडिया सब अपने काम में लगे हैं, उस दौर में उस अंधेरे में यही एक ऐसा दिया है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, आशावादी रहना चाहिए आदमी को, देश में कोई ऐसी सुनता नहीं है, जबरदस्त हास्य का माहौल है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते हैं। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं, ये गांव को लेकर के, यहां जितने बैठे हैं उनमें से कईयों ने सरोज जोशी जी को सुन रखा होगा। सरोज कुमार जी का एक योगदान ये भी बहुत बड़ा है, सरोज जी व्यंग लेखक तो थे लेकिन मंच पर लाने का श्रेय सरोज कुमार जी को ही था। उन्होंने उनको उत्साहित किया, बाद में वो चकल्लस से व राम अवतार चेतन जी के यहां से गद्य पढ़ा और वो पढ़े, इसीलिए आज मैं पढ़ पा रहा हूं, नहीं मुझे कोई नहीं सुनता आपको बताऊं। शहर में रहकर के गांव को रूमानी चश्मे से देखना अलग बात है, गांव अब वैसे नहीं है। भारतीय गांवों की जो स्थिति है वहीं से मैंने एक लेख निकाला, सुनिए साहब। वैसे तो ये सारी चीजें यूट्यूब पे पढ़ी हैं लेकिन लाइव सुनने का अपना एक अलग आनंद है। यूट्यूब पे सुन करके आप हंस सकते हो, ताली नहीं बजा सकते। शहर की तुलना में राग द्वेष ईर्ष्या घटिया राजनीति और ये सारी चीजें गांव में ज्यादा होती है, लेकिन गांव में बस एक चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर, परिहास वृत्ति। शाम को मजाक करते हैं, बुरा मानते हैं, गांव का आदमी सुबह वैसा का वैसा। शहर के आदमी से मजाक कर लो, जिंदगी भर गांठ बांध के रखता है। बस ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है यही गांव को शहर से अलग करता है, बाकी सारी चीजें उससे भी बदतर हैं गांव में। बड़ा हल्ला है स्मार्ट सिटी का, जिस स्मार्ट सिटी में सारे काम बटन से होंगे क्या उसमें भय लालच ईर्ष्या अहंकार झूठ और बेईमानी नहीं होगी? अगर ये सारी चीजें होंगे तो वो बटन आपको सुविधाएं दे सकता है, आप सुखी नहीं हो सकते। डिजिटल इंडिया का ढोल पीटा जा रहा है, गांधी जी कहते थे टेक्नोलॉजी मशीन साधन है साध्य नहीं है। मैं आपको लिमिटेशन बताता हूं टेक्नोलॉजी की, जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तब बल्ब के कारोबारियों ने भी ये दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। तो उसको साधन की तरह इस्तेमाल करो, सच्ची चीजें हैं मनुष्य की संवेदना, उसकी करुणा, उसका मेल मेल जोल, उसके सद्भाव,
सच्चाई, ये सारी चीजें रहनी चाहिए। देखें सर, एक आदर्श भारतीय गांव, पहली पंक्ति से पकड़ना। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वह राजधानी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। क्योंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी सेठ जी ने, ठाकुर साहब ने, चौधरी ने, राजा ने। वैसे कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे। व्यंग पर आपकी दाद चाहूंगा, पकड़ना आप। जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे,